हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब मजे में होंगे। मैं हूँ आकाश और आप देख रहे हैं भारद्वाज व्यूज, ओनली नॉलेज, फैक्ट्स एंड न्यूज। तो गाइज, आजकल हम लोग कहीं सफर करने पर गूगल मैप का काफी इस्तेमाल करते हैं। इससे हमें किए जाने वाले सफर की टाइमिंग का तो पता चलता ही है, साथ में कहाँ ट्रैफिक जैम लगा है और कहाँ ट्रैफिक स्मूथ है ये भी हमें पता चल जाता है। गूगल मैप आज की डेट में लोगों के छोटे या बड़े सफर का साथी बन चुका है। काफी लोग आंख बंद करके गूगल मैप पर यकीन भी कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों, स्पेन के एक लड़के सिमोन वेकर्ट ने गूगल मैप को ऐसा बेवकूफ बनाया कि खाली पड़ी सड़क पर भी गूगल मैप ने हैवी ट्रैफिक जैम दिखा दिया और यहाँ तक कि लोगों को दूसरे रास्ते पर जाने के लिए भी सजेशन देने लगा। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि ऐसे स्पेनिश लड़के ने क्या किया कि खुद गूगल चाचा भी बेवकूफ बन गए। तो दोस्तों, पहले तो जानते हैं कि गूगल मैप काम करता कैसे है। यूजर्स को ट्रैफिक की सही जानकारी देने के लिए गूगल स्लो मूविंग या हैवी ट्रैफिक का डाटा लेता है। इसके लिए जहां आपको यात्रा करनी है उसी संबंधित क्षेत्र में यात्रा कर रहे उन यूजर्स के मोबाइल को एक्सेस करता है जो गूगल मैप का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इन्हीं यूजर्स के मोबाइल फोन के आगे बढ़ने की स्पीड के आधार पर ही गूगल मैप ट्रैफिक की स्थिति का आकलन करता है। सिमोन ने ट्रैफिक बताने वाले गूगल मैप्स के इसी प्रोसेस के साथ खेल कर दिया। भारत में गूगल मैप्स ट्रैफिक बताने के लिए लाल, नीले और पीले रंग का इस्तेमाल करता है। लाल का मतलब तकड़ा जाम, ठीक ठाक मूवमेंट के लिए पीले रंग का इस्तेमाल और एकदम क्लियर रोड के लिए नीला रंग दिखाया जाता है। गूगल मैप्स कई बार री रूट भी कर देता है ताकि यूजर्स जल्दी और बेस्ट रूट से अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, सिमोन ने 99 स्मार्टफोन जमा किए। इन सभी स्मार्टफोन को एक शॉपिंग कार्ट में रखा, सभी स्मार्टफोन में गूगल मैप्स को ऑन किया और खाली सड़क पर चलने लगा। मजाक के तौर पर की गई इस हरकत के बाद गूगल मैप्स बिल्कुल क्लियर रूट को भी हैवी ट्रैफिक वाला बता रहा था। गूगल अब इस खाली रोड को हैवी ट्रैफिक वाला बताने लगा और उसके साथ नए नए रूट भी लोगों को सजेस्ट करने लगा। गूगल को इन सारे स्मार्टफोन की लोकेशन एक ही जगह दिखी और मैप्स को यह दिखाने लगा कि यहाँ से कई लोग गुजर रहे हैं, जिसका मतलब हुआ कि वहाँ काफ़ी हैवी ट्रैफिक है। तो गाइस, नेक्स्ट टाइम आप भी जब ट्रैवलिंग करें तो सिर्फ गूगल मैप के ही भरोसे ना रहें, थोड़ा बहुत अपना देसी स्टाइल भी आजमाएं, यानी लोगों से आगे के रास्ते के बारे में पूछते रहें। तो उम्मीद करता हूँ ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको अच्छा लगा होगा। चैनल के साथ बने रहिएगा ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल फैक्ट्स और न्यूज़ वीडियोस आप तक आती रहें। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।